किसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है? कौन है वो जो मेरे आदमियों का खून करके उनके खून की स्याही से अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा है? कुंदन कैसे जख्मी हो गया? बाकी तीन लोग कहां गायब हो गए? जी सरदार, शेरा की शहनशाहियत में खून बहाने का हक सिर्फ शेरा को है। फिर ये खून बहाने की हिम्मत किसने की? पता नहीं सरदार। कुंदन जवाब तो किसने तुम्हें जख्मी किया? तुम्हार खोलो, बोलो कुंदन। इसके जख्म को देखो। सरदार, ये तो आपका भाई है। शेर सिंह लंगड़े घोड़े और जख्मी साथी को गोली मार दिया करता है, चाहे वो उसका भाई ही क्यों ना हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। किसी साथी को पुलिस पकड़ नहीं पाई और आज एक ही दिन में हमारे चार आदमी भी मार दिए गए। आंधी और तूफान की तरह चारों तरफ फैल जाओ, पहाड़ों का चप्पा चप्पा छान मारो और जो भी हो उन्हें हमारे सामने पेश करो, मगर जिंदा मर गए तो उनके सीने में छुपा हुआ राज भी मर जाएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, मैं हूं आपका दोस्त रोस्ट रवि और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रवि टू राय। आज आपने जो वीडियो देखा होगा कैसा भी लगा नीचे कमेंट कर जरूर बताइए। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल यानी रवि टू राय के चैनल पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन घंटा जरूर प्रेस कर दीजिए। और एक बार देख लीजिए कि हम इतनी कड़कती धूप में ये वीडियो शूट कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल रवि टू राय। लव यू।